हेलो एवरीवन, पूनम सुक्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ये चॉकलेट मार्बल इफेक्ट केक शेयर करने वाली हूँ। ये आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। इस केक को मैंने बिना नोजल और बिना नेल के बनाया है, तो दोस्तों आप भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए इस चॉकलेट मार्बल इफेक्ट केक को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आप जो केक वीडियो में देख रहे हैं, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ अपने लास्ट वीडियो में शेयर की हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। और केक एकदम सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। और केक की हाइट ज़्यादा होने की वजह से मैंने केक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पार्ट से मैंने आप लोगों के साथ बटर क्रीम केक विदाउट एनी बेकिंग टूल्स वाली वीडियो शेयर की थी, और जो दूसरा वाला पार्ट है उससे मैं आज आप लोगों के साथ ये मार्बल इफेक्ट केक शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको भी ये बहुत पसंद आएगा, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केक का हाइट ज़्यादा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने केक को दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लिया था, और एक पार्ट से जैसा कि मैंने आपको बताया कि बटर क्रीम केक बनाया था मैंने, और जो दूसरा वाला पार्ट है इससे मैं आप लोगों के साथ ये मार्बल इफेक्ट केक शेयर कर रही हूँ। तो ये ना, आप इसे तीन लेयर्स में सबसे पहले डिवाइड कीजिएगा, और एक थ्रेड से हम इसे कट कर रहे हैं। पहले आपको क्या करना है, नाइफ से साइड में ना इस तरह से थोड़ा सा कट लगाना है, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद इसके अंदर एक थ्रेड को फिक्स करके खींचना है। देखिए कितने इजीली कट गया हमारा लेयर्स। अब यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम लिया है, ये 3/4 कप व्हिपिंग क्रीम आपको लेना है। और इसके बाद इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्रीम एकदम चिल्ड होना चाहिए और इस तरह से मेल्टेड होना चाहिए। और अब हम इसे बीट कर लेंगे। इसे हमें स्टिफ पीक्स आने तक बीट करना होगा। आप चाहे तो आप इसे हैंड विस्कर की मदद से भी बीट कर सकते हैं, मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर रही हूँ। क्रीम को एकदम परफेक्टली बीट कैसे करना है, इसकी डिटेल्ड रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। क्रीम एकदम परफेक्टली बीट हो चुका है, इसमें बहुत ही अच्छे पीक्स बन रहे हैं। और ये देखिए, स्पैचुला में जब आप क्रीम को लेंगे तो ये गिरेगा नहीं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप बोल को उल्टा कर देंगे ना, तब भी क्रीम नहीं गिरेगा। क्रीम परफेक्टली बीट हो गया है, इसे फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर टर्न टेबल के ऊपर एक कपड़े को रखेंगे, और इसके ऊपर से केक बोर्ड या फिर प्लेट रखेंगे। थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे प्लेट के ऊपर और केक के बेस को रखेंगे। इसे हम शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट करेंगे। शुगर सिरप को मैंने 1/4 कप पानी में 2 चम्मच शुगर पाउडर को डिसॉल्व करके बनाया है। अब ऊपर में क्रीम को लगा देंगे। क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल कीजिएगा और इस तरह से स्प्रेड कीजिएगा। अगर आपके पास ये बेकिंग टूल्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके बिना बेकिंग टूल्स के केक को कैसे बनाएं देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है वाइट चॉकलेट, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में ना इस तरह से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो आप यहाँ पर मिल्की बार चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, थोड़ा सा क्रीम लेकर ना अच्छे से चॉकलेट को क्रीम के साथ ही सेट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा अगर आप अंदर में चॉकलेट डाल देंगे तो। और अब रखेंगे यहाँ पर सेकेंड लेयर, और इसे भी एकदम अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे शुगर सिरप से। फिर से क्रीम डालेंगे और इसके बाद क्रीम को एकदम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो जो प्रोसेस है ना, आपको वही रिपीट करते जाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर से हम इसके ऊपर से चॉकलेट डालेंगे, थोड़े से क्रीम के साथ चॉकलेट को सेट कर देंगे, और फिर से अब हम इसके ऊपर से अपने टॉप मोस्ट लेयर को रख रहे हैं, और इसे भी हम शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर क्रीम को अच्छे से लगाना है। आप चाहे तो क्रम कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे केक से तो क्रम्स नहीं निकल रहे थे, तो मैंने यहाँ पर क्रम कोटिंग नहीं किया है। सीधा क्रीम लेंगे और एकदम अच्छे से क्रीम से कवर कर देंगे केक को। और यहाँ पर आज मैं कोई स्पैचुला नहीं यूज़ कर रही हूँ, स्टील के स्केल को ही यूज़ कर रही हूँ क्रीम को अच्छे से लेवल करने के लिए। तो इस प्रोसीड्योर से आप एकदम अच्छे से फिनिशिंग कीजिएगा, और फिनिशिंग करने के बाद इसे फ्रिज में रख दीजिएगा लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। अभी मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम्स व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट और 1/4 कप फ्रेश क्रीम। इसके बाद आपको क्या करना है, एक पतीले में गर्म पानी लेना है और इस बोल को आपको ऊपर में रख देना है। इसमें अब हम फ्रेश क्रीम डाल देंगे। फ्रेश क्रीम यहाँ पर मैंने 60 ml यूज़ किया है, और अब इसमें एक बहुत ही अच्छा सा शाइन देने के लिए मैं इसमें 1 tablespoon बटर को भी ऐड करूँगी। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और इसे ना 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिएगा, जिससे क्या होगा, चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, चॉकलेट मेल्ट हो गया है, और आप देख सकते हैं चॉकलेट ना थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है। तो मैं इसमें क्या करूँगी, हल्का सा गर्म दूध भी ऐड कर दूँगी, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच ही ऐड करूँगी। वैसे आप चाहे तो चॉकलेट को ना माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा चॉकलेट एकदम तैयार हो गया है।
पर ना इसमें थोड़े थोड़े से ना छोटे छोटे से चॉकलेट के दाने हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसे छन्नी के ऊपर रख के ना इस तरह से छान देना है, जिससे कि जो छोटे छोटे चॉकलेट के चंक्स होंगे ना वो अच्छे से निकल जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो एकदम आपको नीचे में ना एकदम स्मूथ चॉकलेट मिलेगा। ये देखिए हमारा गनाश बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत गाढ़ी भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। इसमें से एक चम्मच गनाश आप निकाल के साइड में रख लीजिएगा। और अब ये जो बचा हुआ गनाश है इसमें मैं रेड कलर डाल रही हूँ। यहाँ पर आपको जेल कलर का ही यूज़ करना है, अगर आप इसमें लिक्विड कलर डाल देंगे तो चॉकलेट स्टिफ हो सकता है, इसलिए जेल कलर का यूज़ कीजिएगा। एकदम अच्छे से मैंने मिक्स किया है। और अब ना आपको केक के पास जाना है और केक को इस तरह से स्पैचुला के साथ सावधानी से निकाल कर स्टैंड पर रख लेना है, इस तरह से। और अब यहाँ पर हमने जो गनाश बनाया है इसे धीरे धीरे से इस तरह से पोर करना है, ठीक है। और आप इसे थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, मतलब पहले थोड़ा सा डालिए फिर इसे फैलने दीजिएगा फिर थोड़ा सा डालिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैंने स्पैचुला अभी भी नीचे से नहीं निकाला है, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो हमने यहाँ पर इसे डाल दिया है। एकदम अच्छे से आपको केक पर ना इसे कवर कर लेना है, इस तरह से। तो अब हमने जो एक चम्मच गनाश पहले बचा कर रखा था ना, इसको लेना है और इसके ऊपर अभी ही इस तरह से डाल देना है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अपने मनपसंद अनुसार कैसा भी पैटर्न बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रैंडम इस तरह से चम्मच से ही इसे डाल दूँगी। और इसके बाद ना आपको आधे घंटे तक इसी तरह से स्टैंड पर छोड़ देना था केक को। और आधे घंटे के बाद मैंने इस तरह से स्पैचुला से इसे प्लेट के ऊपर निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो साइड में गनाश लग गया है इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और अब यहाँ पर देख सकते हैं ये केक एकदम कंप्लीट लग रहा है, लेकिन बॉर्डर के बिना ना केक इनकम्प्लीट ही लगता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिना नोजल का यूज़ किए हुए आज मैं आपको बॉर्डर बनाना दिखा रही हूँ। पाइपिंग बैग में ना इस तरह से यू शेप का आपको कट लगा लेना है, ये देखिए। और इसके बाद इसमें आपको क्रीम को फिल करना है और बॉर्डर इस तरह से एकदम देते जाना है, ये एकदम बेस्ट वे है। तो इससे ना बहुत ही अच्छा बॉर्डर बन रहा है, आप देख सकते हैं, और साथ ही एकदम परफेक्ट लग रहा है ये। अब यहाँ पर मैंने इस तरह का कटोरी ले लिया है और इसके ऊपर ना पहले थोड़ा सा इस तरह से क्रीम को डाल देंगे। अब यहाँ पर उसी सेम पाइपिंग बैग में हमने इस तरह से ना पेटल्स बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाइएगा और साइड्स में आते आते ना आपको इसे बाहर की तरफ लेके आना होगा। अब केक के ऊपर ना थोड़ा सा इस तरह से क्रीम डाल दीजिएगा और ये जो हमने बनाया हुआ है फ्लावर इसे आप फोर्क की मदद से उठाइएगा और इस तरह से एक फोर्क की मदद से ही सावधानी से प्लेस कर दीजिएगा। तो इस तरह से करना है और ये देखने में एकदम परफेक्ट लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसके लिए ना लेकिन आपको क्रीम को स्टिफ करना बहुत ज़रूरी है, क्रीम वरना मेल्ट हो जाएगा तो फ्लावर अच्छा नहीं बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट केक हमारा बन गया है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा हमारा मार्बल ग्लेज केक बना है, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है कट करने में और एकदम परफेक्ट केक। जी आप देखिए इसे मैं कट कर रही हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको भी ये बहुत पसंद आया होगा, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।